चलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। कैसे आप? ठीक है सर। हाँ ठीक ठाक। और म्यूट करते जाएं खुद से, जब जरूरत हो तो उस वक्त अनम्यूट किया करें। ठीक है। और बुक का पेज 66, बुक का जितना पेज 66 सामने रखेंगे। ठीक है। कोई एक बच्चा बुक ओपन भी कर ले, बेशक शेयर कर लें, ताकि कोई एक स्क्रीन ऐसी हो जिस पे नजर आ रहा हो। सर, वो आपने स्क्रीन शेयर ऑफ किया था, मैंने ऑफ किया हुआ डिसेबल है, किया, दो उसे मिनट डिसेबल किया। ठहरे, सिक्योरिटी से जाके मैंने हाँ शेयर स्क्रीन अप कर दिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उस दिन जैसे एक बच्चे ने बुक सामने रखी थी ना, उसी तरह बेशक बुक सामने रख लें। पेज 66 है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ, ये मेरा ख्याल है स्क्रीन शेयर करना बंद ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो सिर्फ एक बच्चा कोई होगा जो स्क्रीन शेयर नहीं करते, कैम जो है ना, कैम कैम कर लेंगे। ये स्क्रीन मैंने बंद कर दी शेयर करना। जिसके पास कैमरा होगा ना, कैम ओपन कर देगा फरहान। हाँ फरहान या हारून नादिर, बुक ओपन की है। गुड, दैट्स राइट। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में देखें, सबसे पहले है, अ मैन रेजेज हिज लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। घर में शीशे के सामने कंघी करने गया है, तो उसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, उठाया है। तो वो कह रहे हैं, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन व्हाई। वो कहता है, जब वो शीशे में देखता है, तो शीशे में जो आपका इमेज नजर आ रहा होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं, तो उसका कौन सा हैंड ऊपर होता है? उसका राइट हैंड ऊपर होता है। आप बेशक आईने के सामने, ठीक है, शीशा तो बहुत ही स्ट्रीट लैंग्वेज में हम शीशा कहते हैं, और उर्दू लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? आईना कहते हैं। हाँ फरहान, आप जा रहे थे आईने की तरफ, मिरर की तरफ जा रहे थे, जाएं जरा सामने अगर जा सकते हैं तो। आप अपना हाथ रेज करें, लेफ्ट हैंड रेज करें, और देखें आईने में हमें, हाँ ये देखें, उसका राइट हैंड हमें नजर आ रहा है ऊपर। ठीक है फरहान, वेरी गुड, काफी अच्छी कॉमन सेंस है आपकी। तो आपने देखा कि राइट हैंड हमें ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि एक्सप्लेन करें व्हाई। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है हमने। तो आपको जो मैंने पेज नंबर 1 सेंड किया है ग्रुप में, ठीक है, उसमें भी वो बता रहा है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखा जाता है। ठीक है, पुराना तरीका है कि क्वेश्चन को दोबारा एक दफा लिखें। अ मैन रेजेज हिज लेफ्ट हैंड इन प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड।
वो कहते हैं ये किस वजह से होता है, तो सिर्फ आपने इस तरह बताना है, उल्टा होना दो तरह से होता है, उल्टा होना दो तरह, एक तो होता है ना अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन उल्टा होना, और एक होता है लेटरली इन्वर्टेड, एक होता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड राइट हो जाती है और राइट साइड आपकी लेफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए लफ्ज ये इस्तेमाल होता है कि आपका दायां बाएं से बदल जाए किसी इमेज में, तो इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो आप कह सकते हैं दिस इज ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, या आप कह सकते हैं दिस इज ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड, ठीक है, इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इन्वर्ट होता है इमेज, तो आप यूं बताएंगे द इमेज इज इन्वर्टेड इन सच अ वे दैट इट्स लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट एंड राइट हैंड साइड बिकम्स लेफ्ट। टेक्निकली इट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। बस इतना सा दो तीन लाइनों का शॉर्ट आंसर आपने लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखें और पिक्चर भी सर। हाँ जी बोलें सर, ये 8th का बच्चा हमारे 10th में क्या कह रहा? कौन सा 8th का बच्चा है जरा बताएं। कोई बात नहीं, चलो बैठने दें। शायद या तो गलतफहमी की वजह से, क्योंकि रोज इनका ये टाइम होता है ना 8th वालों का, सुनाने में सारा कुछ नहीं होता, हार लगा बेचारा। नहीं, हो सकता है गलत फहमी में भी बैठा हो, वो उसे बातें समझ ना आए, सोचे क्या है, लेकिन उसकी दूसरी क्लास मिस ना हो जाए। बेटे अगर दूसरी क्लास में जाना है तो आप दूसरी क्लास में चले जाएं, ओके। अच्छा लेफ्ट कर गए सर। हाँ ये ऑब्जर्वेशन अच्छी है किसकी, हमजा शेख। गुड, यस सर। तुम आर्मी के लिए बड़े सूटेबल हो यार, आर्मी पे बॉर्डर मूवमेंट्स। नहीं मजाक नहीं कर रहा, ISSB में ये चीज नोटेबल होती है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बाज़ जासूसी मूवीज में जो होते हैं ना जासूस, इनकी ऑब्जर्वेशन बाकियों से ज्यादा तेज होती है। बाकी सिर्फ अभी दाएं तरफ मुंह घुमा रहे होते हैं और इसका मुंह घुमाए बगैर इसे सेंस हो जाती है कि अच्छा कहीं पे कोई गटर का ढक्कन खुल के तो अंदर से फायरिंग तो नहीं करने लगा, तो ये एबिलिटी होती है, ठीक है। अभी अभी आए हूं जाके। हाँ बस बहरहाल जब भी आप सर बेटर से हो क्या है अभी अभी? नहीं बेटे आफाज बेटे, आपका दूसरी सेंस ज्यादा तेज है, मतलब है हाजिर जवाबी की, ठीक है ना, आप आउटस्पोकन इसे कहते हैं, अच्छे आउटस्पोकन है। बहरहाल आप सब में मैंने देखा सेंट मेरी में एक तो आती है इलाके की क्रीम, ठीक है ना, तो इलाके की क्रीम आती है तो जनाब सारे ही बड़े तेज होते हैं। इसमें बहुत कम होता है कि कोई मतलब है ऐसा इम्बिसिली किस्म का, अव्वल तो होते ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा, यहाँ तक कि 7th class 6th के बच्चे से भी बात करो तो ऐसे टका के जवाब देते हैं ना। बाज़ औक़ात बच्चों को तो नहीं पता होता, ठीक है, मुझे पता होता है कि ये किस स्कूल का है, तो वैसे मैं चेक करने के लिए ना IQ लेवल इस तरह चेक कर लेता हूँ। तो बहरहाल सेंट मेरी वालों के मैंने देखा है IQ लेवल बहुत अच्छे हैं, बहुत, यानी ये 30-40 की उम्र के बंदे के बराबर सवाल जवाब कर सकते हैं। अच्छा जी वापस आते हैं, इसका 12.2 अब आपने क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन आप में से कोई रीड करेगा ताकि देखते हैं साथ-साथ। हाँ चलो करें। इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्रेक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। हाँ ठीक है, तो ये असल में आपका टॉपिक कौन सा बनता है, असल में आपका रिफ्रैक्शन है, आपने रिफ्रैक्शन को इसमें डिस्क्राइब करना है, तो जनाब ये होगा आपका, इसका आंसर क्या बनेगा? स्क्रीन शेयर करूं? हाँ स्क्रीन शेयर करें, बल्कि आप इसको रीड करें आंसर को। सर वो मैंने डाउनलोड कर ली पिक्स, अगर कहते हैं तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो स्क्रीन शेयर करें, वो तो गुड अच्छी बात है, ताकि पता चल जाए कि भाई यानी सारों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है ऑनलाइन क्लासेस लेने की, इसीलिए तो अब हुकूमत ने ऐलान किया है, तो अब हम जब जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज हैं ये, जो कि फ्यूचर में आपको बड़े काम आएंगी जब आप। हाँ सर वो डिसेबल किया हुआ है आपने, एनेबल कर दें। ओ अच्छा अच्छा स्क्रीन शेयर, कैमरा नहीं ऑन कर सकते कैमरे से? कर सर वो लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ ना तो। अच्छा अच्छा चलो जस्ट अ मिनट,
स्क्रीन शेयर करते हैं इनेबल सर जी ना करें इनेबल हाँ नहीं तो बच्चे दूसरी शरारतें शुरू कर देते हैं फिर वो ध्यान उस तरफ चला जाना पड़ता है चलो सिर्फ रीड कर देते हैं ओके समीर रीड करें सिर्फ ठीक है सर रीड कर देते हैं रीड करें हाँ जी हाँ जी समीर अच्छा सर एक मिनट माइक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अदर एंड इट्स स्पीड चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम इफ द लाइट रेज हिट द बाउंड्री एट एन एंगल व्हिच इज नॉट परपेंडिकुलर टू और पैरेलल टू द सरफेस देन इट विल चेंज डायरेक्शन एंड अपीयर टू द बेंड सही है तो रिफ्रैक्शन जो है वो जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो इसका आंसर बन जाता है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इन योर ओन वर्ड एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एट बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स दो मटेरियल्स के दरमियान जो बाउंड्री होती है उसमें क्यों लाइट जो है वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाती है ठीक है तो आपने इसका एक और आंसर भी बन सकता है by using Snell's law, ठीक है Snell's law क्या है वही साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं इनके तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में रेशियो होती है साइन आई बाय साइन आर तो आपने ये बता देना है कि क्योंकि दो डिफरेंट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लूरल अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इंडेक्स को कैसे प्लूरल बोलते हैं इंडेसेस जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स को प्लूरल जब बोलते हैं तो मैट्रिसेस ठीक है मैथ्स में जो चैप्टर नहीं आपका मैट्रिक्स वाला उसमें उसको प्लूरल जब बोलते हैं तो मैट्रिसेस बोलते हैं तो किस वजह से ये होता है क्योंकि इंडेसेस जो होते हैं इंडेक्स की वैल्यू ठीक है एयर की और इंडेक्स की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो ग्लास होता है शीशा होता है उसकी डिफरेंट होती है इस वजह से ठीक है जी लाइट रेज क्या होती हैं रिफ्रैक्ट हो जाती हैं अच्छा उसके बाद 12.3 जरा रीड करें क्वेश्चन नंबर 12.3 एक क्वेश्चन है क्या हाँ रीड करें कोई भी ये असल में मैं आपकी प्रैक्टिस के तौर पे कर रहा हूँ वरना तो कोई सोच सकता है भाई मैं खुद भी तो रीड कर सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी आपको पार्टिसिपेट किया जाए इस लर्निंग के आखिरी एक दो दिनों में हाँ जी 12.3 रीड करें क्या है गुड इसका आंसर कौन बताने की कोशिश करेगा बेशक उर्दू में बता दें बेशक इंग्लिश में बता दें ये रिफ्रैक्शन की बेस पे है इसमें भी इंडेसेस जो हैं इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से असल में लाइट रेज वही रिफ्रैक्ट होके बेंड हो जाती हैं तो बेंड होने की वजह से हमें पानी की जो सतह होती है ना नीचे बॉटम ठीक है उसका बॉटम जो है वो हमें थोड़ा अपने ओरिजिनल प्लेस से ऊपर जरा नजर आता है ठीक है इसके लिए एक पिक्चर भी आप बना सकते हैं पिक्चर आप कहाँ पे बनाएंगे तो पिक्चर है जनाब आपकी पिक्चर भी मेरे ख्याल है मैंने सेंड की हुई है और आप अगर अपनी बुक में देखेंगे ना तो बुक में ये पिक्चर बनी भी हुई है मेरा ख्याल है बुक का पेज अब मेरे सामने नहीं है इसका तो बुक पे देखेंगे तो बुक पे साइड जो बॉक्सेस होते हैं ना उसमें एक हाँ फिश बनी हुई है और वो फिश की जो डायग्राम आप बना देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है एनी हाउ आप उसे क्या बताएंगे इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन दैट लाइट पाथ क्या करता है बेंड्स एंड दिस बेंडिंग शोज अस द बॉटम अ बिट रेज्ड ठीक है अबिट रेज्ड थोड़ा सा रेज होके बॉटम हमें नजर आती है ठीक है उसके बाद देखें 12.4 जी रीड करें हाँ पढ़ें
why or why not concave mirrors are suitable for makeup? Why or why not concave mirrors are suitable for makeup? कहता है अगर suitable है तो क्यों और अगर suitable नहीं है तो क्यों, दोनों सूरतों में क्यों का आपने आंसर देना है। तो ये हाँ ये कंफ्यूजन वाला आंसर है इसका, ठीक है। कंकेव मिरर जो होता है आपको पता है ना थोड़ी बेंडिंग रखता है, तो उसमें असल में किया ये जाता है उसको अगर करीब कर दें, यानी आप अपना चेहरा मुबारक जो है वो उसके फोकल लेंथ के अंदर ले आए, यानी विद इन द फोकल लेंथ ले आए, तो फिर क्या होगा, फिर सीधा और जरा बड़ा चेहरा नजर आएगा उसमें। लेकिन अगर फोकल लेंथ से अवे होंगे तो फिर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। हाँ तो इसका मतलब है आप दोनों आंसर लिखेंगे, आप यूं लिखेंगे, ठीक है। ये किसी की में भी इस तरह आंसर इन्होंने नहीं लिखा, और जो आंसर मैंने सेंड किए हैं उसमें भी इस तरह नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको अब ये बता रहा हूँ तो आपने इसको गौर से सुनना है ताकि आप इसको डिस्क्राइब कर सकें। तो आप लिखेंगे नंबर वन क्या, वेन और फेस इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कंकेव मिरर then its image is erect, ठीक है, and enlarged, so it is suitable for makeup. ये एक आंसर बन गया। अब दूसरा आंसर देखें, if our face is away from the focal length in front of concave mirror, then image is क्या है, then image is smaller and inverted, so it is not suitable for makeup, ठीक है। मैंने जितनी कीज देखी हैं आज तक उनमें इस तरह से उसने दोनों बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। एक कुछ कीज हैं जो क्या कहती हैं, ये सूटेबल है, क्यों जी सूटेबल है, क्योंकि चेहरा बड़ा और जनाब इरेक्ट नजर आता है। कुछ कीज हैं वो कह देती हैं जनाब सूटेबल नहीं है क्योंकि कनकेव मिरर में चेहरा आपका इन्वर्टेड नजर आता है, ठीक है। इन्वर्टेड हो उल्टा हो तो मेकअप फिर बंदा कैसे करेगा। अच्छा खैर जी, फिर वापस आते हैं, तो ये दो आंसर इसके आपने इकट्ठे लिखने हैं। एक लिखना है कंकेव मिरर के सामने विद इन द फोकल लेंथ हो, आप घर में वो जो सालन डालने वाला डोंगे का चम्मच होता है ना बिल्कुल गोल मटोल सा, वो कंकेव होता है अंदर वाली साइड से, तो आप देखेंगे आप अगर आंख अपनी उसके फोकल लेंथ के अंदर ले जाएंगे तो आंख का डेला बड़ा नजर आएगा, अगर जो ही दूर करेंगे तो आपका चेहरा इन्वर्टेड नजर आएगा। तो बस इससे ये दोनों आंसर क्लियर हो जाते हैं कि इफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कंकेव मिरर, देन क्या है, इमेज इज लार्ज एंड मैग्निफाइड भी कह सकते हैं एंड इरेक्ट, सो इट इज सूटेबल फॉर मेकअप। और दूसरे और शेविंग के लिए भी यही हो सकता है, बाज़ुकात जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ना वो मेकअप से उठा के तो शेविंग भी लिख सकता है, शेविंग मिरर, ठीक है ना। तो शेविंग मिरर में भी यही होता है कि जरा बड़ा नजर आता है चेहरा तो इजी हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12.5, रीड करें, कोई एक बंदा रीड करें, ये आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह। खामोशी से बैठना भी अच्छी इबादत वाली बात है, लेकिन काम की बातों में बोलना ज्यादा बेहतर चीज समझी जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब बताएं जरा, हाँ 12.5 कोई भी रीड कर दें। Why is the driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave? हाँ, Why is the driver's side mirror? साइड पे बाहर पे मिरर लगा होता है ना, या मोटर बाइक में भी साइड पे लगा होता है बैक व्यू करने के लिए, पीछे कोई गाड़ियां आ रही हैं उन्हें देखने के लिए। Many cars convex rather than plane or concave. Concave भी नहीं लगा होता, plane भी नहीं लगा होता। चलो plane होगा तो उसमें सीधा सीधा एक ही गाड़ी नजर आएगी, concave होगा तो उसमें उल्टा इमेज नजर आएगा, वो तो किसी काम का नहीं। अच्छा कन्वेक्स क्यों होता है बेटर, क्योंकि कन्वेक्स में आपको पता है तमाम ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए इमेज छोटा और फुल बनता है, ठीक है, कंप्लीट बनता है। आपने देखा होगा बाज रोड्स पे कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, देखे हैं आपने कभी कि नहीं,
यस सर देखे हैं रोड की दूसरी साइड देखने के लिए होता है सर वो जो शार्प टर्न्स पे यस सर हां टर्न पे येलो कलर के उसमें प्लास्टिक लगता है टर्न के ऊपर लगा हुआ होता है सर दूर से नजर आ जाती है वहां से क्या हां सर ब्लाइंड कॉर्नर ब्लाइंड यस ब्लाइंड कॉर्नर में दूसरी साइड की भी उसमें डायग्राम में नजर आ जाता है कि ट्रैफिक आ रही है कि नहीं तो एनी हाउ कन्वेक्स मिरर लगाने का मकसद ये होता है कि जनाब उसमें ठीक है नजर तो छोटी आती है इमेज तो छोटा नजर आता है मगर एज ए होल सब और वो प्रैक्टिस के बाद अंदाजा हो जाता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है बिल्कुल ब्लाइंड होने से बेहतर है हाँ इसमें एक लॉस भी होता है लॉस क्या होता है कि दूर से जो गाड़ी आ रही होती है उसका डिस्टेंस सही एक्यूरेट हम नहीं मेजर कर सकते हाँ हमें ये तो पता चल जाता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो स्पीड में आ रही है तो उसका डिस्टेंस जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है ये इसका लॉस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हाँ जी तो अभी आपने ऐसा करना है इसका आंसर भी देखें इसके तीन आंसर लिखने पड़ेंगे फिर देख लें तीन आंसर कैसे लिखने पड़ेंगे बेशक मैंने जो भेजे हैं उसमें तीन ना हो ठीक है आपने तीन आंसर कैसे लिखने हैं आपने बताना है इफ वी यूज कनकेव मिरर इफ अ ड्राइवर साइड मिरर इज कनकेव तो देन क्या होगा देन देन मोहम्मद हंजला हंजला बेटे घर से आवाजें आ रही हैं आपकी ख्याल करें अच्छा जी तो ड्राइवर साइड मिरर कैन नॉट बी अ कनकेव मिरर क्यों बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड सो इट इज ऑफ नो यूज उसके बाद प्लेन पे आ जाए ड्राइवर साइड मिरर कैन नॉट बी प्लेन बिकॉज क्या है इट विल नॉट शो द बैक व्यू ठीक है क्यों इसको बिल्कुल आपके अपनी तरफ करना होता है आप बिल्कुल अपने फ्रंट की तरफ करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी योर ओन फेस नॉट द बैक व्यू ठीक है सो प्लेन मिरर इज आल्सो नॉट सूटेबल फिर देखें प्लेन मिरर का आपको नहीं पता चला कि मैंने क्या बताया अब ये देखें इन प्लेन मिरर ठीक है इफ वी टर्न इट टू वर्ड्स और आई साइट अगर आंखों की तरफ हम करें देन इट विल शो अस आवर ओन फेस ठीक है एंड नॉट द बैक व्यू सो इट इज नॉट ऑफ यूज फिर थर्ड पे आप लिखेंगे व्हेन वी यूज कन्वेक्स मिरर देन वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स मिरर और वो क्या प्रॉपर्टी बतानी है आपने कहना है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस ठीक है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इट गिव्स स्मॉलर एंड कंप्लीट व्यू ठीक है जी smaller or complete view देता है तो so we use convex mirror as a driver side mirror इतनी बात clear हो गई all right ठीक है अभी कुछ देर के बाद मैं पूछूंगा भी ये कि आपने बताना होगा कि क्या वजह है इसके आंसर क्या बनेंगे उसके बाद नेक्स्ट देखें 12.6 रीड करें जरा When an operations testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. ठीक है. वो अब कह रहा है कि आई टेस्ट करवाने के लिए आप जाते हैं तो वो जो मिरर यूज करता है हाँ वो किस लिए यूज करता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि हेयर कट के लिए आप जाएं तो जो बार्बर शॉप छोटी होती है वो डबल होके नजर आ रही होती है तो होता ये है जब आप सीट पे बैठते हैं तो मिरर में जब आप देखते हैं तो आपका डिस्टेंस डबल हो जाता है ज्यादा दूर तक आप देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है आजकल किराए ज्यादा हैं तो ऐसे क्लिनिक जो हैं क्लिनिक के जो माहिर होते हैं आंखों के लिए जो ग्लासेस बनाते हैं वो ज्यादा अमीर डॉक्टर नहीं होते वो सिर्फ एक टेक्नीशियन होते हैं तो वो क्या करते हैं वो एक छोटे कमरे में एक प्लेन मिरर लगा लेते हैं बैक साइड पे ठीक है और उसके बाद आपको व्यू करवाते हैं जब वो ए बी सी डी वगैरह व्यू करवाते हैं तो वो ज्यादा डिस्टेंस से आपको देखने में हेल्प मिलती है तो ये आपकी आपको जो मैंने इसका नोट सेंड किया है ना
उसमें 12.6 के आंसर के नीचे आप देखेंगे कि एक बंदा बैठा हुआ है 2.5 मीटर अवे फ्रॉम मिरर। तो वो क्या होता है, मिरर में वो डिस्टेंस डबल हो जाता है। कैसे, 3.5 प्लस 3.5, 2.5 तो उसकी आंखें हैं ना मिरर से दूर, मगर उसके पीछे भी एक मीटर डिस्टेंस होता है। तो इस तरह ये टोटल जो डिस्टेंस है मिरर का और चार्ट का, ए बी सी डी वाला जो चार्ट है और मिरर के दरमियान डिस्टेंस 3.5 है। तो मिरर की वजह से वो 3.5 प्लस 3.5 मीटर हो जाता है, 7 मीटर हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमें डिस्टेंस को इंक्रीज करने में हेल्प देता है। 12.7 इसके बाद रीड करेंगे। How does the thickness of lens affect its focal length? हाँ ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें फोकल लेंथ की जो वो थिकनेस होती है, हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। अच्छा, आपने इसका आंसर ये लिखना है, मैंने बेशक आपको भेजा भी है, उसकी साइड पे मैंने पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वो लिखना है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ थिकनेस। इसको दो तरीकों से रीड करते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ थिकनेस, और या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ थिकनेस। इसका मतलब है थिकनेस जितनी ज्यादा करेंगे फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बताएं एनीबॉडी, अगर थिकनेस ज्यादा करें तो कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा सर, फोकल लेंथ उसका कम होता जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है, इसको फॉर्मूले की शक्ल में भी लिख देंगे और वर्डिंग में भी कन्वर्ट कर देंगे। आप वर्डिंग कैसे करेंगे इसकी, आप लिख देंगे फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, इट मींस इफ थिकनेस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, देन द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, एंड इफ थिकनेस इज डिक्रीज फोकल लेंथ इंक्रीजेस। थिकनेस इंक्रीज करने से क्या होता है, उसकी कर्वी साइड जो है वो ज्यादा कर्वी हो जाती है, ठीक है, यानी थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो छोटी गोली बन जाएगी, और थिकनेस कम करेंगे तो इसका मतलब है बड़ा गोला बनेगा। तो जब गोला बनेगा तो उसका सेंटर ज्यादा दूर होगा, और जब छोटी गोली बनेगी तो उसका सेंटर करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब है सेंटर अगर करीब आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। ये बात समझ आई है, इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन दो पिक्चर बना के भी आप कर सकते हैं, एक छोटी गोली सी बना दो, ठीक है, और एक बड़ा गोला बना दो। तो बड़े गोले का जो कट पीस होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक कैसा है, लेंस है, वो असल में लेंस है जनाब कम थिकनेस का, ठीक है। इसमें आपने मिरर में भी यही हिसाब होता है, मैं आपको असल में ले गया था मिरर की साइड पे, मिरर में क्या होता है, उसका कट पीस होता है। असल में तो लेंस की बात हो रही है ना, तो मैंने जल्दी में क्या किया, आपको एग्जाम्पल जो है वो वाली दे दी, कौन सी, मिरर की, कनकेव मिरर की एग्जाम्पल दे दी। वैसे ख्यालों में आप सोच लें, अगर कनकेव मिरर बड़ा होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर होगा, ठीक है, और उसका हाफ फोकल लेंथ है, ठीक है। अगर बड़ा कनकेव मिरर हो यानी कर्वी पोर्शन उसका क्या हो, ज्यादा ना हो, कर्वी पोर्शन कम हो, फिर देखें ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली बात होती है, कर्वी पोर्शन किसे कहते हैं, ये देखें ये कर्वी पोर्शन है, ये कर्वी पोर्शन, ये कर्वी पोर्शन मैंने क्या कर दिया, ये बड़े गोले का कर्वी पोर्शन है, और ये क्या कर दिया, ये छोटे गोले का कर्वी पोर्शन है। तो देखो छोटे गोले का कर्वी पोर्शन का सेंटर करीब होगा, ठीक है, और अगर बड़ा ये बड़ा कर्व है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दूर होगा, तो उसका फोकल लेंथ यानी एफ बी बड़ा होगा, और छुटका हो जाएगा तो उसका एफ बी छोटा हो जाएगा। अब लेंस की तरफ आओ, तो लेंस में देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये लेंस है, ये लेंस बन गया, इसे अगर मैं पतला कर दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके कर्वी हिस्सा जो है वो बड़ा हो गया, यानी कर्व इसका कम हो गया, ठीक है, कर्व क्या हो गया, कम हो गया। और अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये देखो थिकनेस बढ़ा दूं, ये थिकनेस बढ़ा दी, तो इसका मतलब है ये गोला छोटा हो गया, तो छोटे गोले में इसका फोकल लेंथ कम हो गया। समझ आई है कि नहीं अरुण नादिर, समझ आई है, टाइम यस सर। हाँ, ये
अलग से बैठ के इस पे सोचना पेज 50 भी है। साइड बॉक्स में लिखा है। अच्छा चलें सही है, वो भी सही है। साइड बॉक्स में, हाँ साइड बॉक्स से आपने देख लेना है। पेज कौन सा है 50? साइड बॉक्स सर, साइड बॉक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। हाँ कौन से पेज का, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 का साइड बॉक्स देख लीजिएगा। और वैसे आपने क्या करना है, ख्यालों में इस तरह से ये देखें, ये ऐसे कर्व कम रख के देखना है, फोकल लेंथ ज्यादा होगा और कर्व छोटा ज्यादा, कर्व ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गोला छोटा हो जाएगा और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब आ जाएगा और फोकल लेंथ भी करीब आके कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने जेहन में रखनी है, चाहे ये लेंस हो या आपका मिरर हो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर वगैरह। तो इसका मतलब ये होता है कर्व जो होता है, कर्व अगर, कर्व क्या होगा, कम कर्वी होगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा, कर्व अगर ज्यादा होगा तो छोटी गोली सी बन जाएगी तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। कर्व अगर, ये कर्व क्या है, कम कर्व है तो फोकल लेंथ ज्यादा, और अगर कर्व ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम। ठीक है, अगर लेंस में चले जाएं तो थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, ये थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसका फोकल लेंथ कम, थिकनेस जितनी कम होगी तो ये उसका क्या होगा, फोकल लेंथ बड़ा होगा। चलो खैर, ये तो आपने अब इसको अपने तौर पे बार बार सोच के इसकी डायग्राम से बना के, छोटी गोली और एक बड़ा गोला सा बना के आपने देखना है किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब है और किसका दूर है। और याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसका हाफ जो है फोकल लेंथ होता है। ठीक है, 12.8 जरा रीड करें, 12.8 देखें उसमें क्या पूछा है उसने। Under what conditions will converging lens form a virtual image? हाँ, कंडीशन बतानी है कि कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। यस yes. तो कौन सी कंडीशन है, क्या अवे फ्रॉम 2f रखें या 2f के ऊपर रखें या 2f और f के दरमियान रखें या f के ऊपर रखें ऑब्जेक्ट को या विद इन द फोकल लेंथ रखें? विद इन फोकल लेंथ, दैट्स गुड, वेल डन। अब ये एक लाइन में बेशक आपने आंसर बता दिया, इसे दो दो एक लाइनों में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। कैसे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ देन इट्स इमेज इज इरेक्ट एंड क्या है, मैग्निफाइड, एनलार्ज्ड, हाँ, और वर्चुअल। ठीक है ना, इसका मतलब है वो पांचवी और आखिरी जो डायग्राम है ना किसकी, लेंजेज में, वो आपने यहाँ आंसर में देनी है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि वो डायग्राम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि उस पे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। ठीक है, आपके बुक से बाहर तो शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछते ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन करनी पड़ जाए तो वो 5 डायग्राम्स जिसने बनाई हुई हैं वो बहुत से आंसर उसके दे सकता है। ठीक है, जैसे देखें आपने बता दिया कि ड्राइवर का जो बैक व्यू मिरर है वो जनाब कन्वेक्स क्यों होना चाहिए, कनकेव क्यों नहीं होना चाहिए, या मेकअप का या शेविंग मिरर कंकेव हो तो उसके क्या फायदे हैं और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ठीक है ना, यानी विद इन फोकल लेंथ आएंगे तो सीधा इमेज होगा तो मेकअप भी सही हो सकता है, ठीक है, शेविंग भी सही हो सकती है, और अगर अवे फ्रॉम 2f चले जाएंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा। इसका मतलब है वो 5 डायग्राम्स आपने काफी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के फ्री हैंड से जल्दी से बना लें और ख्यालों में जब बनाएंगे ना पेज पे बनानी आ जाएगी, तो उसके बाद जब कोई क्वेश्चन करेगा तो ख्यालों में एकदम फिगर बन के तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका ये थिकनेस ज्यादा हो अगर लेंस की तो जनाब फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, क्या कम होगा या ज्यादा होगा, वही आपने डायग्राम्स बनानी आती हो तो आप फौरन उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो वो 5 डायग्राम्स जो है, ठीक है, और एक डायग्राम है कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस की एक क्यों है, क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए एक जैसा इमेज बनता है। ठीक है, और वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल होता है, ठीक है, और स्मॉलर इन साइज होता है, तमाम के लिए एक जैसा होता है। यानी ये टोटल आपने 6 जो डायग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से। ठीक है, दैट्स राइट, ओके। अब आते हैं जनाब, ये था 12.8, ठीक है, 12.8
ठीक है, और नीचे उसकी फिफ्थ लास्ट डायग्राम भी बना देंगे। अच्छा जी 12.9 देखें, इसमें क्या पूछ रहा है। Under what conditions will a converging lens form a real image that is same as the object? हाँ, ये अब आप ही आंसर कोई दें बंदा एक, क्योंकि ये मैंने बताया फाइव। हाँ, if we place the object as 2f, that's right. अच्छा अगर मिरर की बात हो रही हो तो 2f को फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर c कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर c को, मिरर का केस हो तो c सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जब लेंजेज हम स्टडी करते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f कह देते हैं, यानी f का फोकल लेंथ का डबल, ठीक है ना। और वैसे भी फोकल लेंथ की एक डेफिनेशन आप यूं भी करते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज फोकल लेंथ, ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज होती है, जिस भी स्फीयर से कोई आप क्या बनाते हैं, आप मिरर बनाते हैं, ठीक है, या अगर जो लेंस होता है, लेंस ऐसे होता है ना, इसके दोनों कर्वी हिस्सों का ऐसे गोलाइयां कंप्लीट करें तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते हैं, और उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को क्या कहा जाता है, 2f कहा जाता है, एक राइट साइड पे 2f और एक लेफ्ट साइड पे 2f। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसका आंसर भी ठीक दिया आपने, और देखें वो फाइव डायग्राम, टोटल डायग्राम्स कितनी है, सिक्स, तो आप खुद सोच लें सिक्स डायग्राम्स पे ये इस किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस। अच्छा आप ये वाला भी एक बना सकते हैं, चलो अपनी तरफ से बनाते हैं। मसलन आप बताएं, एफ के ऊपर आपने रखना है ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज कहाँ बनेगा कि कहाँ नहीं, उस पर एक क्वेश्चन बनाना है। सोचे एक दो मिनट दे रहा हूँ, दो मिनट में उस पर क्वेश्चन बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन वी विल बी अनएबल टू सी द कंप्लीट इमेज, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ बेशक कनके मिरर कह लें, और या बेशक वो कह लें कौन सा होता है दूसरा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन वी विल बी अनएबल टू सी कंप्लीट इमेज इन फ्रंट ऑफ किसके, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एफ, हाँ एफ के ऊपर जब रखेंगे, दैट्स राइट, अगर कनकेव मिरर होगा तो एफ के ऊपर रखेंगे, अगर कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा तो एफ के ऊपर रखेंगे, तो वी विल बी अनएबल टू सी द कंप्लीट इमेज, ठीक है। और आपकी बुक वाले के हिसाब से चलें तो हम यू भी कह सकते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस वी विल नॉट बी एबल टू सी एनी इमेज, ठीक है ना। तो आपने देखा ये बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर समझ आ जाए तो फिर नहीं प्रॉब्लम। अच्छा 12.9 के बाद कौन सा है जी, 12.10, हाँ रीड करें जरा 12.10 में क्या पूछ रहा है। हाउ डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। हाँ, इसमें आपने उसका फार्मूला याद रखना है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई, तो एफ नॉट के साथ एम का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एफ ई के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दो बातों को यानी सेंटेंसेस बना के लिख दें तो बस उसका आंसर बन जाता है। ये बात समझे है मेरी, ठीक है। सिर्फ आपने इसका आंसर क्या, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है, एम इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई, तो बताना है कि इफ एफ नॉट इज ग्रेटर, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर, इफ एफ एफ ई इज ग्रेटर, एफ ई क्या होता है, कौन सा फोकल लेंथ होता है, आई पीस की तरह, ठीक है, और f नॉट जो है वो कौन सा फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यस दैट्स राइट। तो इसका मतलब है ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए क्या फिर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जो है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना। और हाँ आंख की तरफ जो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है, लीस्ट होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम होना चाहिए f नॉट। इतनी बात समझ गए, और ये जैसे लिखा है इसने वैसे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को समझ आ जाती है, ठीक है, और आप में से अक्सर की 80% की इंग्लिश जो है साइंस के लिए सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर साइंस के सब्जेक्ट की जो इंग्लिश होती है वो आसान होती है, ठीक है, उसके लिए आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसलिए आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, फिर आपको समझ आ जाए तो आप इसको